ये आदमी 550 बच्चों का बाप बन चुका है। 41 साल के जोनाथन जेकब मेयर 2007 से स्पर्म डोनेट कर रहे हैं, लेकिन 2017 में इन्हें नीदरलैंड के फर्टिलिटी क्लिनिक्स में डोनेट करने से बैन कर दिया था, क्योंकि उस वक्त भी ये 100 बच्चों के फादर बन चुके थे। डच की क्लिनिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक डोनर 12 वुमेन से ज्यादा को डोनेट नहीं कर सकता और न ही 25 से ज्यादा बच्चों का फादर बन सकता है, लेकिन फिर भी अपने स्पर्म को ऑनलाइन और अब्रॉड डोनेट करते रहे और टोटल 13 क्लिनिक्स में इन्होंने अपना स्पर्म डोनेट किया था। ये केस सामने आया जब एक फाउंडेशन और मदर ने इनके खिलाफ लॉसूट फाइल किया। बात सामने आई कि जोनाथन ने पेरेंट्स को मिस इन्फॉर्म किया था इनसे कंसीव हुआ बेबीज के नंबर्स के बारे में। इसके बाद नीदरलैंड के कोर्ट ने लाइफ टाइम बैन कर दिया है स्पर्म डोनेट करने से, क्योंकि रिपोर्टेडली ये 500 से 600 बच्चों के फादर बन चुके हैं। साथ ही अगर ये आगे चलकर फिर से डोनेट करते हैं तो इन्हें अपनी हर एक डोनेशन के लिए 90 लाख रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है।